पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे आतंकी, जहां भी चले जाएं बचेंगे नहीं। विदेश मंत्री के दावे पर राजनाथ सिंह का दो टूक जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पड़ोसी देश के आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे या फिर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजनाथ ने कहा कि अब भारत पहले जैसा नहीं है, उसके पास सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ताकत है। अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर वे पाकिस्तान भाग गए तो भारत उन्हें पड़ोसी देश में घुसकर मार गिराएगा। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी सरकार के स्पष्ट एजेंडे को दिखाते हुए कही है। पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के एक अभियान के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्याएं की, पाक में घुसकर आतंकवादियों का करेंगे सफाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पड़ोसी देश के आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे या फिर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो हम उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान में घुसेंगे। भारत मूक दर्शक नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के पास सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ताकत है और पाकिस्तान को इसका एहसास होने लगा है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया टिप्पणियों का समर्थन किया है और कहा कि भारत मूक दर्शक नहीं रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है वह बिल्कुल सच है और भारत के पास यह ताकत है और पाकिस्तान को भी इसका एहसास होने लगा है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहता है। जो भी हो, वे हमारे पड़ोसी देश हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमने आज तक दुनिया के किसी भी देश पर हमला नहीं किया है और ना ही किसी देश की एक इंच भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। यही भारत की प्रकृति रही है। राजनाथ ने कहा कि इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई भारत पर बार बार गुस्से भरी आंखें दिखाता है तो हम चुप बैठेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।